वेलकम टू 3D होम्स। मैं आपका दोस्त सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन भी आप देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 फीट बाई 40 फीट के इस प्लॉट के बारे में, जिस पे हमने एक डुप्लेक्स हाउस डिजाइन किया हुआ है। 1000 स्क्वायर फीट के इस प्लॉट में हमने महा 700 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। बाकी 300 स्क्वायर फीट में हमने पार्किंग और गार्डन एरिया दिया हुआ है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में हमने 20 फीट बाई 30 फीट में कंस्ट्रक्शन किया और वहीं हमने फर्स्ट फ्लोर पे 20 बाई 35 फीट में कंस्ट्रक्शन किया। बाकी एरिया को हमने मार्जिन एरिया छोड़ा हुआ है। आज हम इस वीडियो में इसके 2D लेआउट को देखेंगे, वॉकथ्रू के जरिए इसके इंटीरियर को देखेंगे, इसके सारे डायमेंशन डिटेल्स को जानेंगे और वीडियो के अंत में प्राइसिंग की भी बात करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका प्लान डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप अंत तक देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वॉक थ्रू के जरिए इस प्लॉट में इंटर होते हैं और इसके इंटीरियर को देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये वेस्ट फेसिंग वन साइड ओपन एरिया है, जिसे हमने टू साइड ओपन करने के अकॉर्डिंग से मार्जिन एरिया देकर डिज़ाइन किया हुआ है। गेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया नज़र आएगा, जहाँ पे अपनी कार बाइक जो भी आपके पास है आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको एक रास्ता मिलेगा जो सीधा जाके मेन डोर पे ख़त्म होता है। इसके दोनों तरफ हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो कि क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से ही हमने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो ट्रीज़ भी लगा सकते हैं, फ्लावर भी लगा सकते हैं, या जो भी आपका चॉइस है वो आप उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सामने हमने एक छोटा सा गार्डन एरिया भी डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पे एक ट्री भी लगा हुआ है। बाकी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से ट्री, प्लांट्स, फ्लावर्स लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे बच्चों के प्लेइंग के एक्सेसरीज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दो चेयर रखे हुए हैं, जिससे आप चाहें तो मॉर्निंग इवनिंग में यहाँ पर बैठ सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। ये इसका मेन डोर है, लेकिन उसके पहले इसका 2D लेआउट देख लेते हैं। ये इसका 2D लेआउट है, जैसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मेन गेट से इंटर होते हैं। मेन डोर से इंटर होंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको स्टेयर मिलेगा, जिससे आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे और सामने एक डोर मिलेगा जो कि बेडरूम का डोर है। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये एरिया जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये हॉल है। ये इस प्लॉट का हॉल है जो हमने नीचे डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर सामने आपको सीलिंग नज़र आएगा, जो कि हमने ऊपर POP का डिज़ाइन किया हुआ है और पीछे हमने प्लाईवुड का पेनलिंग दिया हुआ और दोनों पे ही हमने सेम कलर का सनमाइका नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पे आपको सी शेप का सोफ़ा मिल जाएगा, बीच में कुछ आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे और कुछ प्लांट्स भी आपको सोफ़े के बाजू में यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सोफ़े के लेफ्ट और राइट साइड के वॉल की बात करें तो हमने दोनों पे वॉलपेपर यूज किया हुआ है और सोफ़े के सामने ही सेंटर में हमने यहाँ पे TV डिज़ाइन किया हुआ है, जो पूरा प्लाईवुड का है। वॉल पे भी प्लाईवुड का डिज़ाइन है और ऊपर सीलिंग में भी प्लाईवुड का ही है और उसके ऊपर 6 mm के प्लाई हम लगा के हमने इसमें ग्रूविंग दिया हुआ है। बाकी हमने पूरा सनमाइका का यूज़ किया हुआ है। वाइट कलर का जो भी दिख रहा है वो हमने पूरे में डिज़ाइन किया हुआ है। हाल के लेफ्ट वाले वॉल पे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का वॉलपेपर नज़र आएगा, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ग्रीन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। और वॉल हाल के राइट साइड वॉल की बात करें तो यहाँ पे हमने रेड कलर का वॉलपेपर यूज किया हुआ है। दोनों सेम डिज़ाइन में है, बस खाली कलर में फ़र्क है। यहाँ पे सामने आपको दो डोर नज़र आएगा, एक बाथरूम का है और एक किचन का है। चलिए किचन में इंटर हो देंगे। किचन में इंटर होंगे तो सामने आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पे आप बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं। सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगा और उसके बाजू में एक और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगा। मीन्स हमने किचन में वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दिए हैं और ऊपर सीलिंग की बात करें तो POP का पूरा सीलिंग है, साइड में हमने सिर्फ वॉलपेपर यूज किए हुए हैं। किचन की बात करें तो हमने प्लाईवुड का किचन, नीचे पूरा कवरिंग उसका डिज़ाइन किया, ऊपर बाकी मार्बोनाइट्स के ही हैं। टाइल्स की बात करें तो सिंपल कलर का ही टाइल्स यूज किया, ज़्यादा चकाचौंध ना करते हुए सिंपल ही हमने डिज़ाइन किया हुआ है। सामने यहाँ पे आपको चिमनी भी मिल जाएगा और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जा रहा है और नीचे भी आपको स्टोरेज मिल रहा है, मतलब किचन के जितने भी एक्सेसरीज होते हैं वो आप किचन में ही रख सकते हैं, बाहर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सामने आपको एक छोटा सा सर्विस प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, उसके बाजू में यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, ताकि अगर आप खाना बनाते हैं तो यहाँ पे आसानी से आपको खाना पहुँचाने में दिक्कत ना हो। चलिए अभी डाइनिंग एरिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं कॉमन बाथरूम की तरफ, जो कि हमने ग्राउंड में एक ही कॉमन बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है। स्पेस ना होने की वजह से हमने सिंगल ही कॉमन बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है। ये कॉमन बाथरूम है जिसे हमने हाल से अटैच डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए इस बाथरूम में इंटर होते हैं और देखते हैं इसके इंटीरियर को। बाथरूम में इंटर होंगे तो सामने ही आपको कमोड नज़र आएगा और टाइल्स की बात करें तो हमने इसमें रेड, ब्लैक एंड वाइट कलर के टाइल्स को यूज किया हुआ है। राइट साइड के वॉल पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगा, सामने आपको बेसिन मिल जाएगा और फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग और वॉल दोनों पे ही हमने सेम कलर के टाइल्स यूज किए हैं और लेफ्ट वाले वॉल पे ऊपर आपको शावर मिल जाएगा। चलिए बाथरूम से बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं स्टेयर की तरफ और मैं आपको लेके के चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम्स की तरफ, क्योंकि कई लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आप ग्राउंड फ्लोर में बेडरूम नहीं बनाते हैं।
तो इस बार मैंने बनाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। इस रूम में इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से 6x6.5 का बेड नज़र आएगा, दोनों तरफ आपको साइड लैंप्स और ऊपर आपको एसी नज़र आएगा। और सीलिंग की बात करें तो बेड के अकॉर्डिंग से सेंटर में ही ऊपर सीलिंग नज़र आएगा। वेंटिलेशन के लिए पीछे हमने दो विंडोज़ दिए हुए हैं जिससे अच्छा खासा वेंटिलेशन बना रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर एयर आएगा तो एयर सीधा हाल में जाएगा। सामने वाले वाल पे हमने रेड कलर के वॉलपेपर यूज किया हुआ है जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और बेड के सामने सेंटर में ही हमने वाइट कुरियन का टीवी यूनिट डिज़ाइन किया हुआ, बाकी जितने इसमें ब्राउन कलर के लग रहे हैं वो हमने सनमाइका का यूज किया हुआ है। और बीच में हमने यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है। सेम कलर के मेच में ही हमने राइट साइड वाले वाल पे यहाँ पे वॉल ड्रॉप यूज़ किया हुआ है। वॉल ड्रॉप भी वाइट एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में हमने डिज़ाइन किया हुआ है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए इस रूम से अब बाहर निकलते हैं और अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जिस पे मैंने काफ़ी मेहनत की है इंटीरियर डिज़ाइन करने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे और उसके इंटीरियर को भी देखेंगे और वीडियो को लाइक किए बिना जाएंगे नहीं। ये फर्स्ट फ्लोर का 2D लेआउट है जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टेयर लेते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर लेंगे कुछ इस तरह से और हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ेंगे और आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो सामने ही यहाँ पे आपको टेम्पल एरिया मिलेगा जहाँ पे आप इससे मंदिर भी बना सकते हैं या किसी अन्य पर्पज़ से भी यूज कर सकते हैं। ऊपर सीलिंग की बात करें तो जिग-जैग का सीलिंग किया हुआ है। सामने यहाँ पे आपको टेम्पल जैसा सेक्शन मिलेगा जिसे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से यूज कर सकते हैं। राइट साइड के वॉल से इंटर होंगे तो यहाँ पे आपको बेडरूम मिलेगा जिसके पीछे प्लाईवुड का पेनलिंग मिलेगा और दोनों तरफ आपको वाइट कलर का जो भी नज़र आ रहा है वो भी प्लाईवुड का ही है। उस पर हमने वाइट सनमाइका का यूज़ किया और बीच वाले वॉल पर हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है जो कि ब्राउन कलर का वॉलपेपर हमने लगाया हुआ। और सीधा यही चीज़ हमने सीलिंग में भी कंटिन्यू किया हुआ है। बेड के राइट साइड में आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिलेगा और एक डोर मिलेगा, ऑपरेशन मिल जाएगा। और सामने ही आपको टीवी यूनिट मिल जाएगा जो कि सेम कलर का पूरा सीलिंग में ही हमने ब्राउन कलर का कंटिन्यू किया हुआ है। मतलब पीछे हेडबोर्ड से लेकर ऊपर सीलिंग और सामने टीवी यूनिट तक एक ही कलर के सनमाइके में हमने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। सामने वार्डरोब की बात करें तो वार्डरोब भी हमने सेम ही कलर का डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें हमने कई सारे कलर यूज़ किए हुए हैं। और ये इस रूम का बाथरूम है जिसमें मिंटर होंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सामने आपको यहाँ पे कमोड नज़र आएगा, वॉश बेसन मिलेगा और शावर ग्लास का शावर नज़र आएगा। टाइल्स की बात करें तो दोनों तरफ यहाँ पे मार्बोनाइट्स के टाइल मिलेंगे और पीछे वाले वाल पे और फ्लोरिंग में और सामने वाले वाल पे आपको डार्क ब्लू कलर के टाइल्स मिलेंगे जो कि हमने हाईलाइटर पर्पज़ से यूज किया हुआ है जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे आप देख के खुद भी समझ सकते हैं। नीचे भी ग्रूविंग पार्ट्स में और साइड में भी ग्रूविंग में ही डिज़ाइन हमने दिया हुआ है। बाथरूम से बाहर आएंगे और आ जाएंगे इसके बालकनी में जो कि कुछ इस तरह से बाहर का वेंटिलेशन नज़र आएगा, बाहर का व्यू नज़र आएगा और वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा। बालकनी से बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। चलिए अभी बालकनी से अंदर होते हैं। चलिए बालकनी से वापस चलते हैं रूम में और बढ़ते हैं इस प्लॉट के थर्ड बेडरूम की तरफ, क्योंकि इस प्लॉट को हमने 3BHK डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके थर्ड बेडरूम को किस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, इसके इंटीरियर में हमने कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से यूज की हुई हैं। ये थर्ड बेडरूम का डोर है, इससे एंटर होंगे तो सामने आपको 6x6.5 का बेड नज़र आएगा। पीछे आपको प्लाईवुड का पिलर्स नज़र आएंगे जिस पे हमने डीको कलर किया। ऊपर सीलिंग की बात करें तो POP का सीलिंग है और उस पे हमने क्रीम कलर्स मारा हुआ है। पीछे वाल पे आपको येलो कलर के पेंट्स मिल जाएंगे और सामने यहाँ पे आपको बाथरूम मिल जाएगा और वहाँ पे आपको वार्डरोब मिलेगा लेफ्ट वाले वाल पे और सामने टीवी यूनिट मिल जाएगा। बेड के राइट साइड में यहाँ पे आपको एक बालकनी मिलेगा जिससे बाहर का व्यू भी आपको नज़र आएगा और बाहर से काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन भी आपको मिलने वाला है। बेड के सामने ही सामने डोर आपको नज़र आएगा, वो डोर हमने इसमें बाथरूम के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये इस रूम का बाथरूम है, इसमें इंटर होंगे तो सामने आपको कमोड नज़र आएगा, शावर मिलेगा और वॉश बेसन मिलेगा। टाइल्स की बात करें तो हमने इसमें दो कलर का ही लाइट एंड डार्क कलर के टाइल्स को यूज किया हुआ है जिसको हमने वॉल पे भी यूज किया हुआ है और सेम उसी को हमने फ्लोरिंग में भी यूज किया हुआ। सामने यहाँ पर आपको बेसिन भी देखने को मिल जाएगा। ये इस रूम का डेडिकेटेड बाथरूम है। चलिए इससे बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं इस रूम के दूसरे बालकनी की तरफ जो काफ़ी बड़ा बालकनी है। यहाँ डोर से बाहर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से काफ़ी वाइड बालकनी नज़र आएगा जिससे आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको काफ़ी ओपन नज़र आएगा क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे छत नहीं है, इसके लिए आपको इस बालकनी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम आगे भी लाने वाले हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो आपको बता दें कि इस तरह के प्लॉट को आपको डिज़ाइन करने में कम से कम 20 लाख से लेकर 25 लाख खर्च करने पड़ेंगे। ये अमाउंट आपके एरिया पर भी डिपेंड करता है, आपके स्टेट पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके वर्क क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।